12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े लड़के से हुई। ससुराल मुंबई जैसे बड़े शहर में होने के कारण उसे अपना छोटा गांव छोड़कर मुंबई आना पड़ा। उसका ससुराल मुंबई की एक झोपड़पट्टी में था, पर जैसा उसने सोचा था उतना सुंदर और सुखी शादीशुदा जीवन उसे नसीब नहीं हुआ। ससुराल में उसके ऊपर पूरे घर के काम की जिम्मेदारी आ गई। 12 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो लड़की 10-12 लोगों का खाना बनाती थी और पूरे घर का काम करती थी, और फिर काम ठीक से ना करने के कारण ससुराल वालों से बहस और लड़ाइयाँ होती थी। एक ऐसी लड़की जिसके सफर की शुरुआत ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ हुई, आज हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन्स में उसकी गिनती की जाती है, और उस लड़की का नाम है कल्पना सरोज। ससुराल में अपने अत्याचारों से लड़ने वाली कल्पना से मिलने जब उसके पिता आए तो वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए। उसकी हालत देखकर उन्होंने अपनी बेटी को गांव वापस ले जाने का फैसला कर लिया। ससुराल वालों ने इसका विरोध किया, पर इसके बावजूद वो कल्पना को गांव वापस ले गए। पर समाज ने कल्पना को ही उसकी टूटी शादी का जिम्मेदार ठहराया, और ये सब कल्पना के झेल सकने की शक्ति से परे था। तो उसने पॉइजन खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर लकीली वो बच गई। इस घटना के बाद उनके जीवन में बहुत ही बड़ा चेंज आया, और उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ी होंगी और कुछ करके दिखाएंगी। उन्होंने अलग अलग जगह जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर एजुकेशन ना होने के कारण उन्हें हर जगह असफलता का ही सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने मुंबई जाकर काम ढूंढने की ठान ली। अपनी माँ को मनाकर वो मुंबई आ गई। अपने अंकल की पहचान से वो सिलाई के काम में जुट गई, पर वहाँ भी कॉन्फिडेंस ना होने के कारण एक महीने तक उन्होंने हेल्पर का काम किया। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद वो कारीगर का काम करने लग गई, और जब वो कारीगर बनी तब उन्होंने 100 रुपये का नोट पहली बार देखा। उसके बाद उनके छोटे भाई बहन भी मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी एक बहन की बीमारी के कारण डेथ हो गई, और इस बात का यंग कल्पना पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। पैसा ना होने के कारण वह अपनी बहन को नहीं बचा पाई थी। इस सोच से उन्होंने और काम करना शुरू किया। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया भी उन्हें इसी दौरान आया था। अपने घर से उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, और लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर का बिजनेस शुरू करके कल्पना ने धीरे धीरे बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। छोटे छोटे बिजनेस करने वाली कल्पना को रियल एस्टेट में जाने का मौका तब मिला जब उन्हें एक जमीन के बारे में पता लगा जिसे खरीदने का उन्हें ऑफर आया था। अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके कल्पना ने 1,00,000 रुपये जुटाए और वह प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बाद उन्हें उसके ऊपर चल रहे मुकदमों के बारे में पता चला। 3-4 साल की मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिरकार उन्होंने वो प्लॉट सभी सरकारी मुश्किलों से आजाद करवा लिया। तब उसकी कीमत लगभग 20 गुना बढ़ चुकी थी। उस प्लॉट पर उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बिल्डिंग बनाई, और वहां से ही रियल एस्टेट में उनका सफर शुरू हुआ। इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद तब जाकर कल्पना जी को लोग जानने लगे और मानने लगे थे, पर उनके जीवन में अभी टर्निंग पॉइंट आना बाकी था, और वो टर्निंग पॉइंट था कामनी ट्यूब्स। कामनी ट्यूब्स कंपनी उस समय बहुत ही खराब हालत में थी। ऐसी मुसीबतों के चलते वो जल्द ही बंद होने वाली थी। ये देखकर कामनी ट्यूब में काम करने वाले कर्मचारियों ने कल्पना जी को कंपनी संभालने का ऑफर दिया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, और इतना बड़ा डिसीजन ले पाना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने का उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी उन्होंने ये रिस्क उठाया, और आज कामनी ट्यूब्स बड़ी तेजी से बढ़ने वाली लगभग 100 मिलियन डॉलर्स की कंपनी बन गई है। कोई भी शिक्षा या डिग्री के बिना एक छोटे से घर से आई एक लड़की आज रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग के बिजनेस में नए नए मुकाम हासिल कर रही है। यह हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है।
कल्पना जी के इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में एक्सीलेंट काम करने की वजह से राजीव गांधी अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर से भी सम्मानित किया गया। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लेने वाली कल्पना जी आज खुद भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सक्सेस में हर्डल्स हैं। प्रॉब्लम्स एक बड़ी सफलता की मुश्किल सीढ़ियां भी तो हो सकती है ना। हरिवंश राय बच्चन जी की इस बहुत ही सुंदर कोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।